अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मैक्सफोल टैबलेट्स 600 एमसीजी और 400 एमसीजी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने जा रही हूँ कि मैक्सफोल टैबलेट्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के अलावा किस तरह से किया जाता है और इसको किन पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है, और जी हाँ, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो फीमेल्स, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स मैक्सफोल टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं, वो लाजमी मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो व्यूवर्स, मैक्सफोल टैबलेट्स की कंपोजिशन है एल मिथाइलफोलेट, जो कि एक्टिव फॉर्म है फॉलिक एसिड की। इसके पैकेजिंग की बात करें तो मैक्सफोल टैबलेट में 30 टैबलेट्स पाई जाती हैं, जिनकी प्राइस है 280 रुपीज़, और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाती है। ये 400 माइक्रोग्राम और 600 माइक्रोग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसकी 600 माइक्रोग्राम वाली स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के अलावा कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई एडल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं 18 साल की एज के लोग, तो वो 400 एमसीजी वाली स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूवर्स, बात करते हैं कि मैक्सफोल टैबलेट्स को किन पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया, एल मिथाइल फोलेट पाया जाता है, जो कि फोलिक एसिड की एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो इसको फोलिक एसिड की कमी में, यानी खून की कमी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। खून की कमी की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जैसा कि खुराक की कमी, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तब आपको खून की कमी हो सकती है, प्रेगनेंसी में खून की कमी हो सकती है, आपको कोई जिगर की बीमारी है उसमें आपको खून की कमी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म कर रहे हैं तब आपको खून की कमी हो सकती है, और किडनी डायलिसिस के केस में आपको खून की कमी हो सकती है। तो इन तमाम कंडीशंस में आप मैक्सफोल टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो व्यूवर्स, इसको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो सकती है अगर आप मैक्सफोल जैसी तमाम टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। मैक्सफोल जैसी एक और टैबलेट है जिसका नाम है माइफोल टैबलेट्स, उस पर भी मैं आपको रिव्यू दे चुकी हुई हूँ, उसका भी सेम यही यूज़ है। तो व्यूवर्स, ये बात करते हैं कि ये किस तरह से आप में खून की कमी को पूरा करती है। जैसा कि इसमें एल मिथाइल फोलेट पाया जाता है, ये आपके न्यू रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है और इस तरह से आपके जिस्म में खून की कमी को ख़त्म करता है। जब बच्चों में या प्रेगनेंसी के दौरान आपको खून की कमी हो जाती है, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपकी स्किन का कलर पेल येलो कलर हो जाता है, आपकी रंगत जो है वो बहुत डल हो जाती है, फेस पे फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको खून की कमी हो जाए तो आपके फेस पे फ्रैकल्स बनने लग जाते हैं, आपके नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, आपके हेयर बहुत थिन रह जाते हैं। तो व्यूवर्स, इन तमाम कंडीशंस जो है ये खून की कमी की वजह से होती हैं। तो आपने खून की कमी के केस में लाजमी तौर पर कोई ना कोई जो है वो फॉलिक एसिड की टैबलेट इस्तेमाल करनी है, तो मैक्सफोल टैबलेट बेस्ट टैबलेट है फॉलिक एसिड की। तो व्यूवर्स, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, आपने इसको रोज़ाना दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करना है, प्रेगनेंसी के दौरान आपने 600 एमसीजी वाला इस्तेमाल करना है, और प्रेगनेंसी के अलावा जो कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 400 एमसीजी वाली इस्तेमाल करेंगे। खाने के बाद इस्तेमाल करना है ताकि आपको आपका पेट ख़राब ना हो और जो मेडिसिन है वो अच्छे से आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप इसका ओवरडोज लेते हैं तो इससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में गैस हो सकती है, उसके अलावा आपको नोज़िया वगैरह का इशू हो सकता है। तो व्यूवर्स, इसी तमाम इन्फॉर्मेशन मैक्सफोल टैबलेट्स के बारे में, और जी हाँ व्यूवर्स, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है, प्रेगनेंसी के दौरान इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बेबी के लिए भी और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। व्यूवर्स, जैसे तमाम इन्फॉर्मेशन मैक्सफोल टैबलेट्स के बारे में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।